हाय दोस्तों, मैं हेमंत चतुर्वेदी आपके सामने वापस से लाया हुआ हूँ अपने वापस से अपने एक तरह से मतलब कि क्या है अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए। तो ऐसा है दोस्तों कि ना मतलब कि जब भी अकेला होता हूँ तो आज क्या है भैया फिर से मतलब कि घूमने निकल गए तो फिर से अकेला हो गया हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ टाइम पास किया जाए या टाइम थोड़ा सा स्पेंड किया जाए। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ थोड़ा सा गाना शाना हो जाए। इस वजह से अब हमने सोचा कि ना आपको थोड़ा सा मनोरंजन कर लिया जाए आपके साथ और थोड़ा सा अगर कॉन्ट्रेक्शन अच्छा हो जाएगा तो अब क्या करें आप बताइए। तो मेरे हिसाब से तो मैं ये कहता हूँ कि ना चलो थोड़ा बहुत सिंगिंग विंगिंग हो जाती है अगर थोड़ा जितना हो सकता है। तो ना मैं क्या करता हूँ कि जब भी अकेला होता हूँ तो ज़्यादातर गुनगुनाने की कोशिश करता हूँ कि अकेलेपन को कैसे दूर किया जाए। तो गुनगुनाना और ना अपने गाना गाना तो उससे मेरा क्या है कि अकेलापन दूर हो जाता है। तो जैसे कि कुछ कुछ लाइनें होती हैं बहुत से गानों की, तो वो कुछ कुछ बातें इतनी अच्छी लगती हैं वो लाइनें कि ना उनको गुनगुनाने से अकेलापन दूर हो जाता है। तो उन लाइनों को मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर भी करना चाहूँगा। देखो जैसे बहुत सी ऐसी लाइनें होती हैं जैसे कि देखिए मैं बताता हूँ। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। ओ पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। अरे तो एक गाना तो ये हो गया जो मतलब कि बहुत इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में। दूसरी एक गाना है और बताना चाहूंगा, जैसे कि उसको गाता है तो काचू कभी कभी तो बिल्कुल एकदम रोना सा आ जाता है यार। फीलिंग्स मतलब कि आंसू से, जैसे कि बहुत बचपन का प्यार हो जो बिछड़ चुका हो, जैसे कि वो भाई बहनों टाइप से लगता है लेकिन है तो है मतलब कि बचपन का प्यार होता है। तो उसको सुनाने जा रहा हूँ आपके पास, तो उसको भी सुनिए ढंग से। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा कि जैसे अगर आप मेरी वीडियो को अगर देख रहे हो तो प्लीज उसको शेयर कर दे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जिससे कि क्या है कि आप बहुत सारे मिलकर हम एक साथ बैठकर गाने वाने गा सकें और आराम से मिलकर अपने एक दूसरे से चैटिंग कर सके। लाइव चैटिंग करने का भी एक अलग मजा है। तो स्टार्ट करते हैं अपने गाने को वापस से। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल, जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, तो इसमें एक लाइन आती है बहुत शानदार लगती है, वो उसको गा के बताता हूँ। ओ कहने वाले मुझको फरेबी कौन फरेबी है ये बता, वो जिसने गम लिया प्यार के खातिर या जिसने प्यारे को बेच दिया। नशा दौलत का ऐसा भी क्या, बेवफा तुझे कुछ याद ही नहीं। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल, जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तो कभी आप अकेले फील हो तो पुराने जो सोलो सॉन्ग्स हैं उनको जाकर सुनने की कोशिश करना। पता है कभी भी अकेलापन हो ना तो एक सोलो सॉन्ग्स में ही वो ताकत है जो अकेलेपन को दूर कर सकते हैं, नहीं तो जो आजकल के जो सॉन्ग चल रहे हैं उसमें वो ताकत नहीं। तो जैसे कि अब नया जो गाना बताता हूं मैं आपको, अभी ऐसे करते हैं कि ना
ऐसा है कि देखो अब हम नए गाने की ओर बढ़ते हैं, तो नया गाना भी अच्छा लगता है। जैसे आप उसको अपन जैसे गाने की सोचे तो पुराने गानों में मतलब कि वो क्रेज होता है ना, मतलब कि आप मानोगे नहीं इतना क्रेज होता है पुराने गानों में। पुराने वालों में गानों से अपन दूसरे को अपनी दिल की बातें शेयर कर देते थे डायरेक्टली। जैसे कि आप मान के चलो कि ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी। ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या। तो देखा कुछ कुछ लाइनें इतनी शानदार लिखते थे पुराने गानों में, सोलो सॉन्ग्स में, तो मतलब कि वो दिल को छू जाती है। जैसे कि अभी एक नया गाना सुनाता हूँ आपको, बड़ा शानदार लगता है मेरे को बहुत। कभी भी जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं, मिलके गैरों से दूर जाना नहीं, तुमको वह कसम तुझसे ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। तो मतलब कि इतनी बातें एकदम दिल को टच करती है, एक तरह से बिल्कुल कहते हैं ना बंदूक की गोली की तरह सीधे सीने में जाती है। तो अगर अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं ना तो पुराने गाने ही शेयर करते हैं, नए गानों से तो यार कुछ खास इतना लगता नहीं है। तो ऐसे मतलब कि कई गाने हैं जो मतलब कि जैसे कि और भी आपको एक और गाना सुनाता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है वो भी गाने में। देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए लाए, सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए, तेरे लिए आए आए। अब तू हमें चाहे अब तू हमें भूले, हम तो बने रहेंगे तेरे साए। देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए लाए। तो दोस्तों अगर आपको मेरे गाने कुछ जो गाने की जो कुछ लाइंस हैं अगर वो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और बताइए आप अपने अकेलेपन में क्या करते हैं। मैं तो अपने अकेलेपन में गाने गा के और आपसे थोड़ी सी चैटिंग करके थोड़ा सा अपने अकेलेपन को दूर कर लेता हूँ जब भी अकेलापन फील करता हूँ। हाँ और अगर मैं अपने भैया के साथ होता हूँ या भाई के साथ होता हूँ तो मैं उनके साथ घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करता हूँ। उनके पीछे बाइक पे घूमना, उनके साथ आराम से टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। हैं और मेरा अकेलापन सिर्फ गानों से निकलता है, अकेलेपन को दूर मेरा सिर्फ गाने करते हैं, वो भी सोलो सॉन्ग्स। ओके बाय।